वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसका टॉपिक लैंड रिसोर्सेज। जितना आपको ये दिख रहा है छोटा सा बोर्ड पे, एक हमारा डायग्राम, उतना सा ये टॉपिक नहीं है। वी हैव वास्ट एरिया टू स्टडी इन लैंड रिसोर्सेज। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखो, रिसोर्सेज क्या होते हैं ये आपको क्लियर होगा फ्रॉम योर प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, जितने बच्चों ने भी अभी तक नहीं स्टडी किया है कि व्हाट इज रिसोर्सेज और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, काइंडली गो टू द इंट्रोडक्शन लेक्चर इन द प्लेलिस्ट और जाके वहां पे स्टडी करें। ओके, तो लैंड रिसोर्स वो हो गया कि जहां से हमें सब कुछ जमीन से जुड़ा हुआ मिल रहा है। दैट मीन्स हमें सेटलमेंट मिल रहा है, दैट मीन्स हमें एग्रीकल्चर मिल रहा है, हमें मिनरल्स मिल रहा है, और आपको क्या मिल रहा है, लैंड से सब कुछ मिल रहा है, ट्रीज मिल रहा है, फ्रूट मिल रहा है, वेजिटेबल्स मिल रहा है, आप रह रहे हो लैंड पर, रह रहे हो, मतलब एवरी सस्टेनिंग लाइफ आई शुड से एजेंसी ऑन अर्थ इज लैंड। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने टाइप्स के लैंड रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। सो वी हैव प्लेट्यूज, क्या होता है, पढ़ चुके हैं हम, प्लेट्यूज है हमारे पास माउंटेन्स है, हमारे पास प्लेन्स है। बच्चों, क्लास 9 का एक चैप्टर था अगर आपको याद हो कि प्लेट्यूज क्या होते हैं। हमारे पास एक ऐसे आई शुड से अपहिल्स है, वैलीज है, मतलब एक रॉक कट एरिया है जिसमें जिसको हम प्लेट्यू बोलते हैं, जिसमें हमारा डेक्कन प्लेट्यू आता है और हमारा सेंट्रल हाइलैंड्स आता है। याद आ रहा है क्लास 9 में आपने पढ़ा था। तो ये रॉक कट एरियाज होते हैं, मतलब एक वो हिस्सा जो अलग हो गया है और एक पीस ऑफ लैंड था जो थोड़ा सा अलग सा हो गया है, ऊंचा है, ऊंचाई है इसमें, वैलीज है इसमें, हिल्स हैं इसमें, माउंटेन्स हैं इसमें। ठीक है, और बेसिकली इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो रॉक फॉर्मेशन होती है। ठीक, तो ये दो पार्ट में अपने आप में डिवाइडेड है प्लेट्यूज। मैं आपको याद दिला देती हूँ, मध्य प्रदेश से लेके उड़ीसा, झारखंड वाला जो आपका महाराष्ट्र वाला रीजन है वो सब सेंट्रल हाइलैंड्स में आ जाता है, और उसके नीचे जो पूरा साउथ है वो सब डेक्कन प्लेट्यू में आता है। क्लियर, तो हमारे पास जो प्लेट्यू है बच्चों, जो जितना भी लैंड है उसमें प्लेट्यू 27% कवर करता है। और प्लेट्यूज में हमें क्या मिलते हैं, सबसे ज्यादा हमें मिलते हैं मिनरल्स। दैट मीन्स वी हैव कोल, वी हैव पेट्रोलियम, वी हैव अदर प्रोडक्ट्स, वो सब हमको प्लेट्यूज में मिलेंगे। ठीक, अब फॉसिल फ्यूल्स से जो आपके बनते हैं, राइट। उसके बाद आप आ जाओ माउंटेन्स। माउंटेन्स इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आई होप माउंटेन में किसी बच्चों को डाउट नहीं होगा कि क्या होता है। तो कितना परसेंट माउंटेन हमारे लैंड्स ने कवर कर रखा है, 30%। ठीक, अब प्लेन्स, यानी कि जहां आप लोग बेसिकली आम लोग सबसे ज्यादा क्वांटिटी पॉपुलेशन में जहां रहते हैं, दैट इज प्लेन्स। प्लेन्स आपको सर्वाइवल दे रहा है, आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी दे रहा है। सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर और लैंड यूज पैटर्न्स हम देख पाते हैं वो प्लेन्स में देख पाते हैं। ठीक है, सो वी हैव 43% अवेलेबिलिटी ऑन प्लेन्स इन ओवरऑल लैंड एरिया। अब आप सोच रहे हो 30 जोड़ के देखो, 43, 27 कितना हो गया, 4 और 3 7 और 1 8 कर दो 10, यू हैव 100% लैंड पैटर्न। तो 100% लैंड पैटर्न में हमने डिवीजन ले लिया कि कितना 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 लैंड हमारे पास अवेलेबल है। अभी लेकिन हमें फॉर्म्स नहीं पता चला। प्लेन्स पे भी लैंड अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है कि प्लेन अगर है 43% तो 43% पूरे प्लेन्स पे आप खेती कर पाते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब सर्वे हुई, रिसर्च हुआ, तो हमें पता चला कि इन लैंड पैटर्न्स में भी वी हैव सब पैटर्न्स, वी हैव सब कैटेगरीज दैट वी हैव डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज। वो भी हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स हैव अ लुक ओवर इट। स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग दैट डिफरेंट टाइप ऑफ सब कैटेगरीज इन द लैंड्स पैटर्न वी हैव। ठीक है, हमारे पास प्लेन्स, माउंटेन्स और प्लेट्यूज में भी अलग अलग तरीके के लैंड्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि माउंटेन्स में हर जगह पर फार्मिंग होती हो, या प्लेन्स पे हर जगह पे एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव एरिया हो, या प्लेट्यूज में हर जगह पे फॉसिल फ्यूल्स मिलते हो। कुछ लैंड हर जगह ऐसा होगा जो बेकार होगा, कुछ लैंड हर जगह ऐसा होगा जो काम का होगा। तो वी हैव टू एनालाइज इट, वो हमें देखना है और स्टडी करना है कि कितना लैंड हमारे काम का है एक्चुअली। तो देखो, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ लैंड आता है फॉरेस्ट। ठीक है, ये एक्चुअली बहुत प्रोडक्टिव है, ये तो आप सबको पता होगा फॉरेस्ट क्या होता है। तो वी हैव फॉरेस्ट एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी अभी हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में
दैट वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन, मतलब किस कैटेगरी में हम कितना लैंड इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अभी हम देखेंगे. उससे पहले आप ये देख लीजिए कि कौन कौन सी सब कैटेगरीज डू वी हैव, कितने तरीके के लैंड यूटिलाइजेशन होते हैं, कितने तरीके की ऐसी चीजें हैं जो हम यूज कर रहे हैं फिलहाल लैंड फॉर्म्स में. तो हम फॉरेस्ट है, हमारे पास फॉरेस्ट कवर है, एक फॉर्म हो गया. बैरन एंड वेस्ट लैंड, बहुत सारी ऐसी बंजर जमीन होती है बेटा, ये अनकल्टिवेटेड होता है. मैं आगे अनकल्टिवेटेड लिख रही हूँ, वो आपको समझ जाना है, ठीक है. बैरन और वेस्ट लैंड हो गया बंजर जमीन, जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते हो, वेस्ट हो गई, वो आपके लिए खाली पड़ी है, किसी काम में नहीं आ रही, ऐसा भी लैंड है हमारे पास. फिर लैंड अंडर बिल्डिंग रोड फैक्ट्रीज, ये भी अनकल्टिवेटेड होगा. ये अनकल्टिवेटेड क्यों होगा, जिस जमीन पर आप बिल्डिंग बना रहे हो, फैक्ट्री बना रहे हो, उस पे आप फार्मिंग तो करोगे नहीं. हो सकता है जहां फैक्ट्री बिल्डिंग बनी है वो प्रोडक्टिव एरिया हो, लेकिन उस पे क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया है तो वो लैंड भी बेकार हो गया, अनकल्टिवेटेड हो गया. परमानेंट पेस्टोर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, कुछ लैंड ऐसे होते हैं बच्चों आपने देखे भी होंगे जहां पे लोग अपने लाइफ स्टॉक्स को चराने के लिए लेके जाते हैं, ग्रेस कराने के लिए लेके जाते हैं, ठीक है, फूड और फॉडर के लिए लेके जाते हैं. तो वो जमीन होती तो बहुत अच्छी है, प्रोडक्टिव है, लेकिन वो परमानेंट अगर ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल कर दी गई तो वो खराब हो जाएगी बिल्कुल. उसका सारा न्यूट्रिएंट्स जो वो लाइफ स्टॉक होता है ना वो खा जाते हैं जमीन का निकाल के, तो वो बिल्कुल बेकार हो जाती है. सो अगेन वो हमारे एक अनकल्टिवेटेड लैंड का ही हिस्सा है, ठीक है, अनकल्टिवेटेड. नेक्स्ट आ जाओ लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स. अंडरस्टूड है भाई, बहुत सारी जमीन ऐसी है जो ट्री क्रॉपिंग के अंदर भी ग्रूव्स में है, ठीक. देन लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 5 years, ये बड़ी दिलचस्प बात है, आपको पता चलेगी. कई बार क्या होता है, हमने एक लैंड के पीस पर कुछ उगाया और उसके बाद हमने उसको खाली छोड़ दिया 5 साल या 5 साल से ज्यादा सालों के लिए. हो सकता है हमने इसीलिए उसको खाली छोड़ा हुआ है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो अपनी सारी प्रोडक्टिविटी फिर से वापस ले आए. असल में आप आगे पढ़ोगे, ये मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट रहेगा एक्चुअली, जिसमें आप ये देखोगे कि एक जमीन पर अगर आप एक टाइप का क्रॉप ग्रो करते हो ना एक लंबे समय तक, तो क्या होता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स एक कैटेगरी के उसमें खत्म हो जाते हैं. तो अगर आप चाहते हो कि क्वालिटी सस्टेन रहे तो आप उस लैंड को कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ देना होता है, ठीक है. तो वही होता है, इसको हम फैलो लैंड्स में काउंट करते हैं, ठीक है. तो ये ऐसी जमीन हो गई जो 5 साल से ज्यादा ऊपर खाली पड़ी है पर प्रोडक्टिव है, ठीक. करंट फैलो क्या हो गया, जो अभी 1 साल से ही ज्यादा खाली पड़ी है, 5 साल अभी नहीं हुए हैं, 1 साल से ज्यादा खाली पड़ी हुई लैंड जो अनकल्टिवेटेड लैंड है वो भी फैलो लैंड में आएगी, उसको हम करंट फैलो लैंड बोलेंगे, ठीक. अब एक बड़ी दिलचस्प चीज है, दैट इज नेट सोन एरिया. 1 मार्क क्वेश्चन है, ये आता है, ये आपको आज आप सोच रहे हो मैम पता नहीं क्या पढ़ा रही है, ये कैटेगरीज है, ये आपको जाननी जरूरी है. ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं नेट सोन एरिया क्या होता है. देखो सोन मतलब उगाना, एरिया मतलब जगह, और नेट मतलब समझ लो एवरेज. तो वो एवरेज जगह जहां पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, अब प्रोडक्शन का भी इसमें हिसाब किताब है, वो जमीन जो एक बार से ज्यादा 1 साल में अगर आपको प्रोडक्शन दे रही है, अगर प्रोडक्टिविटी दे रही है, तो वो पूरी जमीन नेट सोन एरिया में आएगी. और ये इकोनॉमिकली किसी भी देश के लिए एक बहुत अच्छी जमीन होती है जो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में अपना कंट्रीब्यूशन देती है, ठीक है. तो नेट सोन एरिया क्या हो गया, द एरिया ग्रोन मोर देन वंस इन अ ईयर, वो सारी जमीन जो एक बार से ज्यादा 1 साल में ग्रो आपने कर ली है विल बी काउंटेबल अंडर नेट सोन एरिया, क्लियर है. तो ये हमारे कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंड यूटिलाइजेशन है, मतलब वो यूटिलाइजेशन है, आप कैटेगरी समझ लो. यूटिलाइजेशन मतलब कितने तरीके तरीके के लैंड फॉर्म्स को हम इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग इस्तेमाल. जैसे कोई जमीन आपने 5 साल से ज्यादा छोड़ रखी है पर वो आपके लिए फ्रूटफुल है, कोई आपने 1 साल से ज्यादा छोड़ रखी है फ्रूटफुल है, कुछ लोग केवल 6 महीने छोड़ के ही जो है अपना एग्रीकल्चर कर लेते हैं, कुछ उसमें वही वाला क्रॉप ग्रो नहीं करते दूसरा क्रॉप ग्रो कर लेते हैं. तो ये लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न्स हैं, हमारे पास ग्रेजिंग लैंड है, हमारे पास बैरन भी लैंड है, हमारे पास फॉरेस्ट कवर है. सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, हम लैंड के अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं और वो हमने आज स्टडी किया अलॉन्ग विद द नेट सोन एरिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम एक कैटेगरी पढ़ेंगे बच्चों, हम ग्राफ देखेंगे, यहाँ पे इमेजेस आ जाएंगी एंड आई विल नॉट बी हियर क्योंकि जब मैं रहती हूँ तो बोर्ड प्रॉपर पूरा नहीं दिख पाता, ठीक है. तो यहाँ इमेज जब डिस्प्ले होगी तो मैं बोलूंगी, मेरा आवाज रहेगा और आपके सामने पिक्चर रहेगी. तो हियर यू विल सी दो ग्राफ,
उन ग्राफ पर क्या होगा, आपको ये स्टडी किया जाएगा कि ये जो लैंड हम पढ़ रहे थे अभी, अलग अलग तरीके के जो हम इस्तेमाल करते हैं, कितना परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारे पास बैरन लैंड कितना है, फॉरेस्ट लैंड जो लैंड फॉरेस्ट कवर में है वो कितनी परसेंटेज में है, अभी ये देखना बाकी है. सो लेट्स सी दिस एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कोड ज्यादा डिटेल में कि अच्छा लैंड का सबसे ज्यादा हिस्सा हम किस काम में लगा रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद पैराग्राफ ऑफ योर एनसीईआरटी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस पर एम्फोसाइज करना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट इज़ कि आपके पास टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है ऑफ इन इंडिया, स्पेशली इन इंडिया. ठीक है, जब अगर हम एरिया की बात करें, ये क्लास 9 को भी मैंने पहले बताया था और अब क्लास 10 में बता रही हूँ कि वी हैव 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया. देखो ब्लू कलर से लाइन खिंचा हुआ है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया. दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी, स्पेसिफिकली दिखा रही हूँ ताकि एनसीईआरटी अलग से खोलनी ना पड़े. ठीक है, तो उसको जरूर ध्यान में रखिएगा. साथ में देखो कि आउट ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया, हाउ मच ऑफ द परसेंट ऑफ द लैंड इज अवेलेबल टू अस, कितना हमें यूज के लिए अवेलेबल है. तो आउट ऑफ दिस होल एरिया ओनली 93% ऑफ द लैंड यूज पैटर्न्स आर यूजफुल फॉर अस. बाकी जो एरिया है वो जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है. ठीक है, असम हो गया, और असम तो फिर भी आपका प्रोडक्टिव है, टी में बहुत ज़्यादा रिनोन्ड है, वो टी ग्रो करता है, लेकिन बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऐसे हैं जो प्रोडक्टिव, एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव नहीं है. साथ में जम्मू और कश्मीर का बहुत सारा लैंड हमारा पाकिस्तान और चाइना में ऑक्यूपाइड है, तो वो भी अंडर सर्वे की वजह से उसको हम काउंट नहीं कर पाते हैं कि वो एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव होगा या नहीं होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो ये इमेज, ये इमेज है बच्चों, दिस इज अ पाई चार्ट फॉर यू ऑल, जिसमें आपको परसेंटेज लिखा हुआ है, मेंशन है. ये सब एनसीईआरटी के फिगर्स हैं. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ऐसे वीडियो पे देखने में, तो इट विल बी मच बेटर कि आप पेज नंबर 6 ऑफ योर एनसीईआरटी है ये, पेज नंबर 6 खोल के बैठ जाइए अपने एनसीईआरटी का, अपने बुक ऑफ चैप्टर नंबर 1, और देखो पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ लैंड यूज कैटेगरीज 1960 to 61 की. ठीक है, 1960 to 61 में लैंड यूज कैटेगरीज किस टाइप की थी, तो वी विल बिगिन. आप अगर इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो पहली कैटेगरी फॉरेस्ट है. ठीक है, फॉरेस्ट सबसे ज्यादा जो कवर एरिया होना चाहिए था, पर ऐसा है नहीं. वी हैव 18.11% ऑफ द एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट में 60 से 61 के बीच हमारे पास 18% लगभग जमीन थी जो कि फॉरेस्ट में कवर थी. बच्चों डू यू नो कि कितना डिजायर ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए था? पता है 33% एरिया आपका ज्योग्राफिकल एरिया ये फॉरेस्ट एरिया में आना चाहिए था, ये डिजायर्ड एरिया है जो कि हमारा फॉरेस्ट एरिया में होना चाहिए था, लेकिन देखो 18% है, यानी कि बहुत कम है. तो ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एक बनाई गई थी 1952 में, जिसमें कि कहा गया कि हमें अपने ये जो एरिया जो हमारा ये कम है इसको मेंटेन करना है, हमें इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करना है. ठीक है, तो जितनी भी लाइव्स हैं ये हमें क्यों करना है, हम फॉरेस्ट एरिया को क्यों बचा रहे हैं? एक तो हमारे नेचुरल बैलेंस के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी लाइफ्स ऐसी हैं, बहुत सारे पीपल का लाइवलीहुड है जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, तो अगर फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो दे विल लॉस देयर लाइवलीहुड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत इस मिशन को आगे बढ़ाएं. ओके, सो देन सी, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो येलो कलर में देखो बैरन और कल्टिवेबल वेस्ट लैंड या अनकल्चरेबल भी लिखा हुआ है आपके बुक में. तो कितना परसेंट ऑफ लैंड हमारा वेस्ट पड़ा है, बैरन है, बंजर है, सूखा है, जिसको हम बिल्कुल भी किसी भी पर्पज से इस्तेमाल नहीं कर रहे. इट्स 12%, इट्स बिग अमाउंट. देन आप थोड़ा सा और आगे देखिए तो पर्पल कलर, आपका पिंक पर्पल कलर है जो कि एरिया है अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, इट मे बी योर बिल्डिंग्स, इट मे बी योर रोड्स, इट मे बी योर हाउसेस.
ठीक है, कल्चरेबल नहीं है, आप उसको एग्रीकल्चरली यूज नहीं कर सकते, तो ऐसा लैंड 4.95% में हमारे पास अवेलेबल है। और देखेंगे तो हमारे पास ग्रीन कलर में पेश्योर्स और ग्रेजिंग लैंड्स हैं, जहाँ पे हम अपने लाइव स्टॉक्स को लेकर जाते हैं, वो लैंड बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। मैंने आपको बताया था वो कल्चरल एक्टिविटीज के लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए बचता भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास 4.71% ऑफ लैंड है। फिर आप और आगे देखो, यू हैव डार्क पर्पल कलर विच इज स्पेसिफिकली गिवन फॉर वट पर्पज, इट इज गिवन फॉर एरिया अंडर ट्री क्रॉप्स और ग्रोव्स। ये मैंने आपसे उस वक्त भी बताया था कि हमारे पास एक कैटेगरी ऑफ लैंड ऐसा भी है जो इस पर्पज के लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, सो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंड पैटर्न्स थे स्टूडेंट्स, जो कि अभी हमने स्टडी किए हैं। अब बहुत ध्यान से आप देखो, ऑरेंज कलर, ठीक है, जो कि है आपका 6.23% में, ये कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, यानी कि ये ऐसा लैंड है जो एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव है, जो हमें बहुत प्रोडक्टिविटी दे सकता है, लेकिन उसके बाद भी वेस्ट पड़ा हुआ है। कोई भी पर्पस हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई लोगों ने उसके ऊपर कोई और एक्टिविटी कर रखी हो, ठीक है, या वो फैक्ट्रीज वगैरह में लगा हुआ हो, इट मे बी फॉर एनी पर्पस। ठीक है, वेट लैंड्स भी हो सकते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट देखो ब्लू कलर का, जो कि 3.50% में हमारे पास अवेलेबल है। ये फेलो अदर देन करंट फेलो, यानी कि ये वो लैंड है जो 5 साल से ज्यादा खाली पड़ा हुआ है, प्रोडक्टिव है फिर भी 5 साल से ज्यादा खाली पड़ा है, इस पर प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है। करंट फेलो उसके जस्ट बाजू में देखिए 3.73% में, ये वो लैंड है जो 1 साल से ज्यादा खाली पड़ा है, 5 से कम और 1 से ज्यादा। ठीक है, अब नेट सोन एरिया, ये हमारा सबसे मोटा और सबसे बढ़िया काम की लैंड है, यानी कि ये वो प्रोडक्टिव लैंड है, ये वो एग्रीकल्चर लैंड है जो देश की इकोनॉमी को सस्टेन कर रही है, हम सबको खाना दे रही है, वी आर डिपेंडेंट ऑन इट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है इस लैंड पे। दिस इज योर नेट सोन एरिया 45.26%। ये हम बात कर रहे थे 1960 से 61 की। वहीं एक और इमेज देखो अब आप, तो जो आप दूसरी इमेज देखोगे ना, तो यू विल कम टू नो, ये जो इमेज है बच्चों, ये 2008 से 2009 की है। ठीक, ये आपको इमेज, इसमें इसकी परसेंटेज, अब हमें बहुत ज्यादा डेप्थ के साथ नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ ये देखना है कि 2008 और 9 में कितनी परसेंट ऑफ चीजें बदली। तो देखो सबसे अच्छा बदलाव आया है फॉरेस्ट लैंड में, जो कि 18% से 22% हो गया है। ठीक है, 1% बड़ा है, 1% ही भले ही, लेकिन बड़ा है। हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो बड़ी है, 45% से 46% हो गई है, नेट सोन एरिया देखो। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो जो हमारा बैरन लैंड था, यानी कि जो बिल्कुल बेकार लैंड था, जो किसी काम का नहीं था, जो बहुत दुख की बात थी, वो घट गया है। पहले 12% था, अब 8% हो गया, यानी कि हम उस खराब लैंड को भी काम में ले रहे हैं, सो दिस इज गुड। फिर आप अपना नॉन एग्रीकल्चर यूजेस वाला देखो, ये बढ़ गया है, क्योंकि भाई फैक्ट्री बढ़ रही हैं, सेटलमेंट बढ़ रहा है, लोगों के घर बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है, आज की अगर हम सर्वे देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, जो कि 4 से 5% हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से वी हैव, ये मेन मेन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बाकी सब आप देख लीजिएगा इस पिक्चर्स में कि कितना डिफरेंस है। सो ये हमने डिस्कस किया, एंड वी हैव सीन द डिफरेंस ऑल्सो, वी हैव सीन कि कितना परसेंट ऑफ लैंड हमारे पास कहाँ पे अवेलेबल है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, कि आप देखोगे तो सबसे जो ग्रेजिंग लैंड थे वो घट रहे हैं। ठीक है, अब अगर वो घट रहे हैं तो सवाल आपका ये आना चाहिए था आपके दिमाग में, तो फिर कैटल कहाँ जा रहे हैं? क्या कैटल्स खाना नहीं खा रहे? क्या हमारी जो लाइव स्टॉक हैं, जो लोग गाय भैंस बकरी पालते हैं, क्या उनको खाना खिलाना बंद कर दिया, या क्या, कैसे खाना खिलाया, फिर क्या हुआ उसका? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। फिर अगर हम बात कर रहे थे करंट फैलो लैंड्स की, करंट फैलो लैंड्स या तो बेटा पुअर क्वालिटी लैंड्स होते हैं, यानी कि हमने 1 साल से ज्यादा उनको छोड़ रखा है, ताकि हम चाहते हैं कि वो अपनी फर्टिलिटी रिगेन कर ले। ठीक है, तो वो हमने छोड़ रखे हैं, नेट सोन एरिया आपको पता ही है कि भाई क्या है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे दैट वी हैव डिस्कस्ड, जिसको हमने अभी अभी डिस्कस किया है। एक वेस्ट लैंड का एक चीज और समझ लीजिए, इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर वाइंड अप करूं, वेस्ट लैंड में आपके रॉकी, एरिड और डेजर्ट तीनों एरियाज इंक्लूड होते हैं। ठीक है,
नॉन एग्रीकल्चरली अगर कोई एरिया पड़ा है तो वो वेस्ट है, पर एरिड भी उसमें आता है, आपके रेगिस्तान भी उसमें आते हैं, रॉक्स भी उसमें आते हैं, सब इसमें आते हैं ये, ठीक है। ऑल्सो साथ में रोड्स, रेलवे, सेटलमेंट, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ये सब भी इसी में इंक्लूड होगा। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब जो हमारे वेस्ट लैंड है वो कौन से होंगे, जहां फैक्ट्री बनी है वो होगा या जहां पे डेजर्ट है वो होगा, दोनों होंगे, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और एक बात और ध्यान में आपको रखनी है कि एक लैंड को अगर आप लंबे समय तक यूज करते रहोगे, बहुत ज्यादा कंटिन्यूस यूज करोगे, तो वो लैंड डिग्रेड हो जाएगा, ऐसा ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जरूरत है, अब लैंड को डिग्रेड होने से बचाने की जरूरत है। एक आदमी है भाई, जो लैंड की भी तो अपनी फर्टिलिटी होती है ना बच्चों, एक लैंड एक पर्टिकुलर टाइम तक आपको प्रोडक्टिविटी दे रहा है, आप उस पर उगाए जा रहे, एक टाइम पर उसका न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो उस लैंड को जरूरत है बचाने की। अगर आप उस पर ऐसे ही काम करते रहोगे तो वो लैंड खराब हो जाएगा। तो वो टेक्निक्स कि कैसे हमें अपने लैंड डिग्रेडेशन को बचाना है, हमें कैसे उसको कंजर्व करना है, ये बहुत जरूरी है सीखनी, और ये हम सीखेंगे। दिस इज आवर नेक्स्ट लेक्चर, मिस मत कीजिएगा, स्टे ट्यून्ड। साथ में हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं सॉइल एज अ रिसोर्स, कितने तरीके की हमारी सॉइल प्रोफाइल होती है, हमारी जो सॉइल की प्रोफाइल है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक जरूरी है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो डू नॉट मिस नेक्स्ट लेक्चर, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। इफ इन केस यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, जस्ट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो स्टूडेंट्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, बिकॉज आप जितना ज्यादा स्प्रेड करोगे इस चीज को उतना ज्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा।